हाँ झंझनाहट है, क्या है? झंझनाहट, बराबर। और झंझनाहट जो है ये वाई बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ, जो है ठंड में जो है हमारे जो टीथ है, बिकॉज टीथ हमारे जो है एक हड्डियों का प्रकार होता है, उसका पार्टी है, तो ठंड में जो है उसके जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्लियर है? फिर आइड वाले आ जाते और बोलते हैं कि बेटा ये इससे घिसो, इसको लगाओ, ये करो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा एमसीजी। क्या स्टार्ट करें अपन? एमसीजी, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब बेसिकली हमको पता है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या करता है गैल्वेनोमीटर? करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर, ये जो टर्म है हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और गैल्वेनोमीटर को ही हम लोगों ने कन्वर्ट किया था किसमें? एमीटर और वोल्टमीटर में। तो बेसिकली हमको ये समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर जो है करंट को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और करंट से बाद में हम लोग उसको वोल्टेज में भी मतलब मेजर करने के इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का असली मेन मुद्दा रहेगा टू डिटेक्ट द करंट, इसमें सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस रहेगा उसी का नाम है बेटा क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसी को मिलते हैं हम लोग शॉर्टकट में एमसीजी, क्लियर है? तो अगर हम लोग इसको एमसीजी नहीं बोलना चाहते, अगर गैल्वेनोमीटर बोलना चाहते तो बोल सकते हो, क्लियर है? चलो बेटा, अब इसका जो है मेन मोटो क्या करेंगे? करंट डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके जो टाइप्स है बेटा, आपके जो टाइप्स रहेंगे ये दो तरह के टाइप्स है, ठीक है। पहला जो टाइप रहे दैट इज डी अर्सनल, क्या बोलेंगे इसको? डी अर्सनल गैल्वेनोमीटर। ये जो डी अर्सनल गैल्वेनोमीटर, इसमें जो हम लोग कॉइल इस्तेमाल करेंगे बेटा, इस कॉइल में इस तरह से इसको ट्विस्टिंग जब होगा, मतलब देखो कॉइल में क्या है, कॉइल क्या करने वाला? रोटेट करने वाला। क्यों करने वाला रोटेट? क्योंकि जितना करंट फ्लो होगा उतना कॉइल रोटेट करने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉइल जब रोटेट करेगा तो उसको जगह पे भी आना है ना, तो वापस जगह पे आने के लिए उसको क्या लगाना चाहिए? स्प्रिंग लगाते हैं हम लोग। तो स्प्रिंग के जगह पे जो हम लोग यहां पे एक चीज लगाने वाले, इसका नाम है बेटा फॉस्फर ब्रोंज। क्या लगा रहे हम लोग? फॉस्फर ब्रोंज। और ये फॉस्फर ब्रोंज जो है ये क्या करेगा? ट्विस्ट कर हो जाएगा, और जैसे ये कॉइल को वापस आना है तो ये वापस लेके आएगा, क्लियर है? मतलब ये डी अर्सनॉल टाइप का गैल्वेनोमीटर जो है, ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर करके पहचाना जाता है, सेंसिटिव, ठीक है, हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सेकेंड जो है बेटा वो है वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइवेटेड टाइप भी गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, पाइवेटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें बड़े बड़े बेयरिंग्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले, क्या इस्तेमाल करते हम लोग? बड़े बेयरिंग्स। और इसकी सेंसिटिविटी जो रहेगी, दैट सेंसिटिविटी इज वेरी लेस। अब सेंसिटिविटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, और कॉइल को वापस लाने के लिए कैसे कैसे फॉस्फर ब्रोंज या फिर हमारा बेयरिंग काम करता है ये भी जानेंगे। तो सेंसिटिविटी इज वेरी लो, क्लियर है? तो ये बड़े बड़े लैब में इस्तेमाल किया जाता है ये तरह का, और ये जो है हम लोग छोटे प्रमाण में इसको इस्तेमाल करने के लिए, छोटा सा करंट मेजर करने के लिए इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है? तो टाइप समझ में आया होगा आई होप। टाइप के लिए हम लोग जो है उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। तो इसका जो प्रिंसिपल है बेटा, तो डिवाइस तो समझ में आपको, ये क्या करता है? टू डिटेक्ट द करंट, और प्रिंसिपल रहेगा दैट इज, हम लोगों ने प्रिंसिपल सीखा है, क्या सीखा है? दैट इज सी सी सी, दैट इज करंट कैरिंग कॉइल। ये जो है ये क्या करने वाला है? रोटेट करने वाला है। कब रोटेट करता है? जब इसको हम लोगों ने कहां पे प्लेस किया? मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में प्लेस किया, बराबर है? तो उसमें क्या डेवलप हुआ? टॉर्क डेवलप हुआ, और टॉर्क की वजह से क्या करना है, करने वाला है? रोटेट। द करंट कैरिंग कॉइल इज रोटेटेड बिकॉज ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इट, बराबर है? और टॉर्क कितना होता है हम लोगों ने देखा, बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना आपका करंट क्या होगा उस कॉइल में से फ्लो होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा, और टॉर्क जितना ज्यादा होगा उसके हिसाब से आपकी कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द एमसीजी। ओके, समझ में आया? अब सेकंड जो, देखो पहला तो हम लोगों ने डिवाइस के बारे में लिखा, दूसरा लिखा हम लोगों ने किसके बारे में? प्रिंसिपल। अब थर्ड पॉइंट आता है बेटा जिसका नाम है हमारा क्या? दैट इज कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग दो तरह से भी सीखेंगे, मतलब इसको थ्योरेटिकल मैनर से भी सीखेंगे क्योंकि हमको बोर्ड में भी लिखना है, और बाद में इसका जो कंसेप्ट हम लोग समझेंगे उसके बारे में, उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एंट्रेंस में भी काम आएगा नीट और जेईई में, क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन देखिए, मैं यहां पर लिख के नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको नोट्स जो मिल जाएंगे उसमें सारे नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। सो पहले तो हम लोग देखेंगे यहां पर
एमसीजी का जो कंस्ट्रक्शन है इसमें हम लोग दो मैग्नेट इस्तेमाल करने वाले, क्लियर है? किसके लिए हम लोग दो इस्तेमाल करते हैं, एक जो पोल है एन क्रिएट करने के लिए और दूसरा साउथ बनाने के लिए। और एन और साउथ लगाने से क्या होगा, यहां पे इन दोनों के बीच में जो फील्ड बनेगी ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी। अगर साउथ नहीं रहा और सिर्फ नॉर्थ रहा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी लेकिन जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। इट मीन्स दैट वी हैव टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग द टू मैग्नेट दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्लियर हो गया कंसेप्ट? और ये जो दो मैग्नेट है बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, नाउ इसके बीच में बेटा हम लोग कॉइल को रखेंगे, ये रही हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल। क्योंकि हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल इसलिए ले रहे क्योंकि हम लोगों ने कल जो कंसेप्ट पढ़ा था इस कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा कि रेक्टेंगुलर कॉइल को गोल घूमने के लिए जो टॉर्क निकला था वो टॉर्क के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है? अब इसके ऊपर मान के चलो ये जो कॉइल है हमारी, इसके नीचे हम लोग इस तरह से एक स्प्रिंग लगाएंगे और हो सकता है इसको और हम लोग इस तरह से ऊपर से एक लगाएंगे ये वाली पट्टी। और मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि ये जो पट्टी रहेगी ऊपर की दैट इज नोन एज फॉस्फर ब्रोंच। क्या ये फॉस्फर ब्रोंच, क्लियर है? और नीचे का जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा पट्टी, इसको बोलेंगे फॉस्फर ब्रोंच। और ये रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग या फिर हेयर स्प्रिंग भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर है? अब सर आगे, सर इसका मेन मोटो बताइए बेटा। ये जो दो स्प्रिंग है इनके दो अपने अपने अलग अलग दो मोटो है, इसके दो क्या है मतलब इसको लगाने का जो है दो कारण है। पहला कारण तो समझ लीजिए, मान के चलो कि यहां में से इसमें से करंट जाएगा इस तरह से और ये करंट जो बेटा इस तरह से गोल घूमने वाला, क्लियर है? इस तरह से, और करंट जो है इसमें से बाहर भी निकलेगा, मतलब इसका मतलब ये कि फॉस्फर ब्रोंच से करंट इन होगा तो हेलिकल स्प्रिंग से आउट होगा, क्लियर है? और जो दो वायर्स है हम लोग दो वायर्स कंस्ट्रक्शन में बाहर निकालेंगे और दो वायर पकड़ के हम लोग कॉइल में लगाएंगे, जिस कॉइल में हमको क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है। समझ में आया, क्लियर है? चलो अब दूसरी चीज समझ लीजिए, यहां पे होगा वो नीडल जिसको हम लोग कांटा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, ओके? और ये कांटे के सामने हम लोग यहां पर लगाएंगे बेटा क्या है ये हमारा, ये है हमारी एक यूनिफॉर्म स्केल। क्या है ये यूनिफॉर्म स्केल, मतलब इसका जो कैलिब्रेशन है जो नंबर से आप जो लाइंस निकाले हैं ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इसको याद रखना। जरूरी नहीं कि हर स्केल इक्वी डिस्टेंस पे मतलब यूनिफॉर्म रहे, तो यहां पे यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाके हमको समझने वाला कि यूनिफॉर्म का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्लियर? तो अब सबसे मेन मोटो आता है कि सर हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो अगर मैं ऊपर से देखता बेटा इसी कॉइल को, तो देखो सर इसी डिवाइस को, तो ये रहा हमारा ये कौन मैग्नेट, क्या ये हमारा मैग्नेट दिख रहा है कुछ इस तरह से, ओके? और जब मैं ऊपर से देखता हूं तो कॉइल की कौन सा आर्म दिखता है, ये वाला आर्म दिखेगा, क्लियर है ना? तो ये रहा मेरा एक वो कॉइल का आर्म, ये इस तरह से लाइक दिस, ये रहा हमारा कॉइल का एक ऊपर से दिखने वाला आर्म। और ये जो पॉइंट दिख रहा है इसके अलोंग में मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा कॉइल, रोटेट परफॉर्म करेगा, मतलब यहां से एक्सिस पास हो रहा है, क्लियर है? ठीक है, और यहां पे हमारा वो रहेगा नीडल इस तरह से और यहां पे रहेगी हमारी वो यूनिफॉर्म स्केल, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, क्लियर? हम इसके पहले जब 10th स्टैंडर्ड में सीखे थे तो याद होगा जब मोटर वोटर कुछ बनाने गए तो उस समय हमको सर लोगों ने पढ़ाया होगा कि यहां पर जो मैग्नेट हम लोगों ने इस्तेमाल किया था ये इस तरह से कुछ मैग्नेट इस्तेमाल किया था, बराबर है? सीधा सीधा। अब यहां पे जो आपको मैग्नेट दिख रहे हैं ये मैग्नेट का शेप कुछ इस तरह से दिख रहा है, क्लियर है? और इस तरह के मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, क्योंकि हॉर्स को जो शू लगाते हैं लोहे का, याद होगा उसका इस तरह का शेप होता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल इट एज अ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, सर व्हाई वी आर यूजिंग द हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सर ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताइए? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, पहले तो समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या क्या चीज है, कुछ बचाए के देखो। अब इसमें यहां पे याद रखना है हम लोग ये जो कॉइल है बेटा दैट इज मेड बाय द इंसुलेटेड वायर, ओके? एक मेटालिक फ्रेम के ऊपर इसको हम लोग क्या करते हैं, वाउंड करते हैं और इसको एक इस तरह के एक बक्से में, एक सिलेंड्रिकल बक्सा होगा दैट इज मेड बाय द सॉफ्ट आयरन कोर। किससे बना है ये? सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब जो सॉफ्ट आयरन है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब आयरन होता है, क्लियर? हम लोग आगे पढ़ने वाले, तो उस तरह के मटेरियल से बना है एक सिलेंडर।
अब जब मैं ऐसे बोलता हूं आयरन वर्ड, इसका मतलब यह है कि आयरन ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। इसका मतलब ये कि ये जो आपका सिलेंडर है ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने वाला, क्लियर है, इसका मेन मोटो समझ में आया। तो सारे कंस्ट्रक्शन में हमको समझ में आया, यहां पे हम लोगों ने फास्फोरस ब्रोंज इस्तेमाल किया और यहां पे हेलिकल स्प्रिंग टू क्रिएट ए ट्विस्ट, किसके लिए, ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए। कौन सा ट्विस्ट, जब आपका कॉइल क्या करेगा, रोटेशन परफॉर्म करेगा, जैसे मैंने करंट बंद किया कॉइल अपने जगह पे आने के लिए, वो जगह पे कौन लेके आएगा, ये दो एक हमारे हेलिकल स्प्रिंग और ये फास्फोरस ब्रोंज। सर यहां पे हम लोग डायरेक्ट सिंपल सा स्प्रिंग क्यों इस्तेमाल नहीं करते, व्हाई, बिकॉज दिस टू मटेरियल्स शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ज्यादा क्या नहीं होते हैं, इन्फ्लुएंस में नहीं आते, क्लियर है। तो इस तरह से मटेरियल बनाए गए हैं, क्लियर है। और इसकी जो है देखो, हर बार आपका गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गोल घूमेगा, उसके हिसाब से इतना समय इतना टाइम अगर वो क्या करता है, रिपीट एंड रिपीट करता है, तो ये जो दो मटेरियल्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी इलास्टिसिटी या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ना हो। तो स्प्रिंग अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, चेंज होगा, समझ में आया। चलो आगे बढ़ेंगे, अब देखो ध्यान देना, अब हम लोग वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्किंग में क्या देखेंगे बेटा, कि मेन मोटो क्या है, यहां पे कॉइल क्या करने वाला, रोटेशन परफॉर्म करने वाला, किसके हिसाब से रोटेट करेगा, करंट के हिसाब से। देखो करंट आपका फ्लो हुआ 1 एम्पियर, करंट आपका फ्लो हुआ 1 एम्पियर, और आपके काटे ने, आपके निडल ने कितना रोटेशन परफॉर्म किया, 10 डिग्री। अब 10 डिग्री पे आपने ऐसी लाइन लगाई और आपने लिखा 1 एम्पियर, आपका जैसे 2 एम्पियर करंट भागा, आपका निडल कितना भागा, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, 20 डिग्री। अब 20 डिग्री पे लाइन खींचोगे और क्या लिखोगे, 2 एम्पियर। 3 एम्पियर फ्लो हुआ, 30 डिग्री आपने मार्जिन बनाई, लाइन खींची, लिख लिया। इसका मतलब ये कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट में क्या देखना चाहते हैं, दैट हां कि आपका डिफ्लेक्शन, व्हाट इज दिस फाइ इंडिकेट, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल और डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, जितना कॉइल डिफ्लेक्ट होगा उसी हिसाब से क्या होगा, नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, एम आई राइट, दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एम आई राइट, बराबर है। इसका मतलब जैसे जैसे आपका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, एंड दैट डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ, तो ये डिफ्लेक्शन किसके हिसाब से बढ़ रहा है, टॉर्क के हिसाब से बढ़ रहा है, जितना ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, एम आई राइट, और जितना आपका टॉर्क ज्यादा है, ये टॉर्क किसके वजह से होना चाहिए, ज्यादा करंट के वजह से। सर ये हम लोगों ने सीखा है, कहां पर सीखा बेटा, लास्ट लेक्चर में, दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू निब्बा साइन थीटा, बहुत बढ़िया, निब्बा साइन थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, क्लियर है। अब मुझे बताइए इस सारे चीजों में से कौन कौन सी चीजें आपके कॉन्स्टेंट है, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ टर्न्स आपके क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। बेटा हमको बताइए यहां पे बी इज व्हाट, दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस टू मैग्नेट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, व्हाट इज दिस ए, एरिया ऑफ द कॉइल, अब बची चीज कौन सी है, बोलो आई, बराबर है, अरे हाँ या ना। बेटा करंट जितना ज्यादा होगा क्या टॉर्क भी उतना होगा, और एक चीज यहां पे दिख रही होगी आपको, रिमेनिंग कौन सी, साइन थीटा, मतलब एंगल जो दिख रहा है, और ये एंगल किसके बीच का एंगल है बेटा, ए बार और बी बार, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था, कैसा, टॉर्क टाउ बार इज इक्वल टू, या फिर टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम आई राइट, दैट थीटा इज एंगल बिटवीन एम बार और बी बार, बराबर है। तो अब मुझे बताइए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, एरिया के साथ परपेंडिकुलर, और जिधर नीडल दिख रहा है उसी के डायरेक्शन पे मैं बोलता हूं, उधर ही कौन है हमारा, ए बार, और इधर कौन जा रही है बेटा, बोलो बी बार, एम आर राइट, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए लास्ट लेक्चर को आप रिमाइंड करिए, बेटा मैंने बोला था दैट टॉर्क इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, अरे हा या ना। बेटा अब एंगल बताइए कितना है, बेटा कॉइल ऐसी हो गई और ऐसे हो जाने से आपकी कॉइल बेटा ऐसी हो गई, लाइक दिस। अब आपका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। अब बताइए एंगल क्या हुआ, कम हो गया, अरे हा या ना। अगर एंगल क्या होगा, छोटा होगा, तो टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। बेटा आपका एक एम्पियर के लिए कितना डिफ्लेक्शन हुआ करता था, 10 डिग्री। अब मुझे बताइए फिर एक एम्पियर फ्लो होगा, मतलब 2 एम्पियर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री, वो हुआ 15 डिग्री। फिर 3 एम्पियर जाएगा, होगा कितना, 12 डिग्री, सॉरी 17 डिग्री। सर क्या बोल रहे हो बेटा, हर एक एम्पियर के लिए उसने कितना डिफ्लेक्शन शो करना था, 10 डिग्री। फिर 2 एम्पियर के लिए कितना करना चाहिए, 3 एम्पियर के लिए कितना करना चाहिए, बराबर है, अरे हा या ना। बेटा मुझे बताइए, लेकिन जैसा जैसा आपका एंगल क्या हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है,
इधर जा रहा है तो ये थीटा क्या हो रहा है इसके हिसाब से, अगर इधर एंगल ले तो ये एंगल थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो टॉर्क भी क्या होगा, मतलब ये एंगल बढ़ रहा है मान के चलो, हमारे लिए जो आपने एंगल लिखा ये एंगल है, इसके लिए ये एंगल है, दैट इज एंगल इन बिटवीन बी बार और ई बार, ए बार, एम आई राइट। तो जैसा तैसा एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, वैसा वैसा टॉर्क भी। अरे इस तरह इसका मतलब ये कि टॉर्क की वैल्यू लीनियर है क्या बेटा, टॉर्क इज डिपेंड ऑन आई एज वेल एज थीटा आल्सो। तो साला तो यहां पे प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मुझे बताइए आपका एक एम्पियर जाएगा तो काटा इधर दिखाई दे रहा है, दैट इज मैंने क्या लिखा, वन एम्पियर। अब दो एम्पियर करंट फ्लो होगा तो काटा सिर्फ इतना ही हिलेगा, तीन किले कितना, इतना ही रहेगा। तो आपका जो रहेगा स्केल जीरो, एक एम्पियर, दो एम्पियर, तीन एम्पियर, चार एम्पियर, ऐसा होगा, क्योंकि टॉर्क क्या हो रहा है, समझ में आया। अरे बात समझ में आ रही है। और ये प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब थीटा की वैल्यू पे डिपेंड ना करे कौन, टॉर्क। समझ में आ रही है, पक्का पक्का, हाँ हाँ, दोनों भी साइड से बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जो थीटा है या थीटा कैसा होना चाहिए आप इसको निकाल लेना चाहते हो, वाई बिकॉज द टॉर्क शुड नॉट बी डिपेंड ऑन दी थीटा। मैं इसलिए यहां पे बेटा ध्यान देना, हम लोग एक काम करते हैं इसलिए ही हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है सुन लो अच्छे से, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, ये भी यूनिफॉर्म है, नो डाउट, बराबर है ना। अरे पक समझ में आ रही है। अब मुझे बताइए यहां पर अगर मैं कॉइल लिया और कॉइल ऐसा हो गया, देखो एंगल क्या हो गया, ये आपका कौन एरिया वेक्टर, ये कौन आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और देखो एंगल चेंज, बराबर है। हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, यहां पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मैं ग्रीन से निकाल रहा हूं, देखो ध्यान देना, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से जारी है और किधर जाएगी, इधर जाएगी, लाइक दिस। और याद रखना यहां पे जो हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर लगाया और यहां पे जो हॉर्सशू टाइप का लगाया, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के हिसाब से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे मैग्नेट के ऊपर जब क्या करेगी, रीच होगी, जाके पहुंचेगी, तब वो सरफेस के ऊपर कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, कितने का। तो बेटा इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे, देखो ध्यान देना कितने का एंगल बना, इधर से जो निकलेगी देखो 90 से निकली, इधर जाएगी, कितने का एंगल बनाएगी, बात समझ में आई। तो सर मतलब इधर से ऐसे जा रही क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरह जा रही क्या, नो बेटा ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है, लाइक दिस, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये आपकी कौन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये कौन रही, यहां से जो निकलेंगी वो कैसे जाएंगी, लाइक दिस, दिख रहा है, और यहां से ये ऐसे, और ये सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये रेडियस की तरह आपको दिखाई दे रही है। तो अगर मैंने इसको रब कर लिया इस तरह से, तो आपको क्या समझ में आ रहा, सर यहां से निकल रही है और कहां पे रीच हो रही है, इधर, यहां से निकल रही है कहां पे रीच हो रही है, इधर। अब देखो ध्यान देना, अगर आपका यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, देखो इधर जा रही है, तो आपका एरिया वेक्टर ऐसा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रही, दोनों में एंगल कितना। अब कॉइल ने रोटेशन परफॉर्म किया, कॉइल पहुंच गई बेटा ऐसे सिचुएशन में, अब एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, लाइक दिस, व्हाट इज दिस एरिया वेक्टर, दिस इज ए बार। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये देखो इधर से जा रही है, देखो इस तरह से, अब एंगल बताइए कितना होगा, 90, पहले भी कितना था। अब बाकी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं जानोगे, अब किसको जानोगे, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज ऑलवेज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल इरिस्पेक्ट टू देयर पोजिशन, बात समझ में आई। सर बाकी के फील्ड लाइंस के बारे में बताओ, अरे भाई इधर से जो देखो ऐसे टिल्ट होने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड है इधर जा रही है, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगी, उसको इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं ना, ये ऐसे निकल रहे बाकी के जा रहे हैं, तो हम लोग कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सिर्फ लेंगे, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक एरिया, मतलब कॉइल ऑफ एरिया, समझ में आया। तो अगर आपकी कॉइल ऐसी रहेंगी तो कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे हम लोग, ये वाली, बात समझ में आ रही है। देखो ये वाली अगर कॉइल ने ऐसा परफॉर्म किया, ऐसे इधर रोटेट हो गई, तो देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे, बराबर है। तो मैंने कितने लाइंस निकाले, सिर्फ तीन, या फिर कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप निकाल सकते हो, इनफाइनाइट, क्लियर है,
बस समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये कि हमेशा आपके टॉर्क के फॉर्मूले में दैट टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन आई बी ए साइन थीटा, मैंने फॉर्मूला लिखा, बट दैट थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, व्हाई? बिकॉज द एंगल इन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच, 90। तो टॉर्क की वैल्यू बनी कितनी, एन आई बी ए, क्लियर है? दैट इज निबा। इसका मतलब ये बेटा कि टॉर्क जो है वो एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट इज नोन एज वेरिएबल करंट। करंट जैसा जैसा चेंज होगा वैसा वैसा टॉर्क चेंज होगा, और जैसा टॉर्क कम या ज्यादा होगा उसी के हिसाब से डिफ्लेक्शन भी कम या ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन कम या ज्यादा होगा उसके हिसाब से आपका नीडल कम या ज्यादा होगा, और उसके हिसाब से हम लोगों ने कौन सा स्केल बनाया, यूनिफॉर्म स्केल बनाया। बस समझ मारी, बहुत बढ़िया। अगर वैसा ना होता तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबको समझ में आया, बाकी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, उधर से निकल रही है उधर से जा रहे, तो बाकी के रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, उसको कंपेंसेट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैसे? बोलो कि अगर मान के चलो ये आपका क्या रहा, कॉइल इस तरह से रहा, ये निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, इधर जा रही है, बराबर है ना? ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, क्लियर है? और बाकी के मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे इसको क्रॉस करेंगे, बोलो किस तरह से काम करेंगे? ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेंगी, लाइक दिस, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगी? ये तो चलो ठीक है, ये सेंटर से जा रही है, ऐसे जा रही है, ये तो ऐसे गुजर रही है ना, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे दिख रही है इसको कौन कैंसल आउट कर रहा है? इसको अगर अच्छे से आप डायग्राम निकालो तो आपको समझ में आएगा, सिमेट्री के हिसाब से एक रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड को उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या करेंगे, उसको कैंसल आउट करेंगे, अगर आप अच्छे से उसको डायग्राम में निकालते हो तो। लेकिन आपको सिंपलिसिटी के लिए जब आप डायग्राम निकालोगे तो दो या तीन या चार ही लाइंस निकाल के रख देना है, तीन या पांच लाइंस, क्लियर है? आगे बढ़े, जो हमारा मेन मोटिव उसकी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कॉइल ने क्या किया बेटा, यहां पर रोटेशन परफॉर्म किया, और ये रहा आपका कौन, दैट इज नीडल, बराबर है ना? ये हमारी कौन थी, इनिशियल पोजिशन, और क्या हो गया हमारा नीडल, क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया बेटा, क्लियर है? कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, फाइव एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये रहा आपका फाइव, कौन आई है, फाइव, व्हाट इज दिस फाइव एंगल, क्लियर है? अब मुझे बताइए जैसे कॉइल डिफ्लेक्ट होगा ये स्प्रिंग जो नीचे बैठी है दैट स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग एज वेल एज फॉस्फोर ब्रिज क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट, और जब ट्विस्ट होते हैं तो उसमें क्या होगा, एक जाके पोजिशन पर रुक गया, इसका मतलब रुकना है, रुकना मतलब क्या, इधर जो लग रहा है फोर्स मतलब टॉर्क, उसके अपोजिट में भी टॉर्क लगना चाहिए, और ये कौन लगा रहा है, दैट स्प्रिंग एज वेल एज फॉस्फोर ब्रिज, और ये जो है दैट टॉर्क इज नोन एज रेस्टोरिंग टॉर्क। जैसे हम लोगों ने कहा सीखा ऑसिलेशन में सीखा, स्प्रिंग को दबाएंगे फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर क्या रिस्टोर हुआ, फोर्स रिस्टोर हुआ, दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स, लाइक सेम दैट इज क्या बना, रेस्टोरिंग टॉर्क। और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है कि रेस्टोरिंग टॉर्क एज वेल एज एक्सटर्नल टॉर्क दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे जाके रुक गया है। बात समझ में आई? सर ये रेस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बोलो, रेस्टोरिंग टॉर्क आपका कितना ज्यादा होगा, स्प्रिंग में भी देखा रेस्टोरिंग फोर्स में, रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी, एफ आर इज इक्व टू क्या थी, अरे एफ आर की वैल्यू क्या थी, एफ आर इज इक्व टू माइनस लिखा था हम लोगों ने डायरेक्शन के लिए, क्या लिखा था हम लोगों ने, के इंटू एक्स, व्हाट इज द एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, जितना स्प्रिंग आप ज्यादा क्या करोगे डिस्प्लेस, उतना उसमें रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आया बेटा? उसी तरह से जितना आपका कॉइल ज्यादा रोटेट करेगा उसके हिसाब से रेस्टोरिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा। अब फिलहाल आपका कॉइल कितने कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, फाइव, तो ऐसे बोलेंगे दैट इज डेल्टा, सॉरी टाउ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या लगाया था, कॉन्स्टेंट, कौन सा कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फिर फोर्स कॉन्स्टेंट। अब यहां पर भी क्या लगाएंगे, दैट टाउ आर इज इक्व टू के इंटू फाइव, व्हाट इज के, इसको हम लोग नाम देंगे बेटा टॉर्शनल कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, टॉर्शनल कांस्टेंट, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे। और इक्विलिब्रियम पे टाउ आर की वैल्यू किसके बराबर, टाउ एक्सटर्नल के बराबर, टाउ आर की वैल्यू कितनी बेटा, का के इंटू फाइव इज इक्वल टू टाउ, बोलो निब्बा, क्या बोलोगे, निब्बा, बहुत बढ़िया। आगे के को लिखे जाओ इधर, दैट फाइव इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एन बी ए बाय के, और बाहर लिख रहा हूं आई,
ये रहा आपका फाय का फॉर्मूला। और इससे आपको एक बात समझ में आई, देखो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज कॉन्स्टेंट, एम आई राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट कॉन्स्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एंड वॉट इज द के, कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट। बेटा के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये स्प्रिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगी, कितना वो रिजिड है, कितना बड़ा है, कितना स्ट्रांग है या कितना हल्का है, उसके हिसाब से क्या होगा डिपेंड करेगा, मतलब उसके क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा? तो मुझे बताइए एन बी ए और के कैसा है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब मैं यहां पे फाइ इज इक्वल टू, इसको मैं नाम देता हूं कैपिटल जी, भले ही कैपिटल जी का इस्तेमाल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसके लिए इस्तेमाल किया था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यहां पे हम लोग इसको जी को अलग नाम देंगे, उसको नाम बोलेंगे कौन सा वाला कॉन्स्टेंट, ये क्या है गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। क्लियर है? बचा क्या है बेटा आय, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय लिख रहा हूं, और यही तो मेरा मोटो था कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना टॉर्क ज्यादा, जितना टॉर्क ज्यादा उतना फाई ज्यादा। आपका करंट कितना हुआ एक एम्पियर, डिफ्लेक्शन हुआ 10, तो मैंने 10 डिग्री पे लिख लिया 1। आपका करंट फ्लो हुआ 2 एम्पियर, आपका नीडल डिफ्लेक्ट हुआ 20 डिग्री, मैंने लिख लिया 2 एम्पियर। आपका करंट हुआ 4 एम्पियर, आपका नीडल डिफ्लेक्ट होगा 40 डिग्री, आपने लिख लिया 4 एम्पियर। दैट्स वाई दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। अब आगे बताइए, तो ये जी को हम लोग क्या नाम देंगे, व्हाट इज दिस जी, दैट इज हाँ गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। क्लियर है? और या फिर इसका और एक दूसरा नाम है बेटा, रेजिस्टेंस रिडक्शन फैक्टर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस रिडक्शन फैक्टर भी बोलेंगे। अब देखो धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है, तो ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहां पे हमारा कंसेप्ट होता है इसका खत्म। अब इसके ऊपर और एक चीज है बेटा, इसका नाम है क्या, सेंसिटिविटी, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्या पढ़ रहे हम लोग अभी, सेंसिटिविटी। यहां तक सबको समझ में आया, होप कोई दिक्कत किसी को? देखो बेटा तो हम लोग बढ़ रहे हैं, दैट इज सेंसिटिविटी। बेटा ये नाम आपने सुना है कहां पे, एड में सुना होगा, कौन से, हाँ कौन से वाले एड में सुना है, सेंसोडाइन, हाँ हम लोग ठीक है, अपना टूथपेस्ट जो है तो कुछ खाने लगता आ, ठीक है, उसने क्या बोलते उसको, एप्पल खाने जब जाती है वो आ, जैसे आप देखते हो एप्पल को क्या लगता है, खून, बराबर है, और बाद में उधर से अचानक से आती है कि आपके दांतों में क्या है, सेंसोडाइन है, ये है वो है, क्या है, हाँ 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 झंझनाहट है, क्या है झंझनाहट, बराबर। और झंझनाहट जो है ये वाई बिकॉज, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ, जो है ठंड में जो है हमारे जो टीथ है, बिकॉज टीथ हमारे जो है एक हड्डियों का प्रकार होता है, उसका पार्टी है, तो ठंड में जो है उसके जो सेंसिटिविटी है बढ़ जाती है। क्लियर है? फिर एड वाले आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये इससे घिसो, इसको लगाओ, ये करो वो करो और हो जाएगा, और कुछ सीजन चेंज होगा तो लेके आते हैं क्या, आपके दांतों में आपके टूथपेस्ट में नमक है, कुछ सीजन चला जाता है, उसके बाद फिर से वो क्या लेके आते हैं टूथपेस्ट में क्या आता है, आपके टूथपेस्ट में नीम है, फिर उसको कुछ दिन के बाद चला जाता है आपके टूथपेस्ट में क्या कोयला है, बराबर है, फिर कुछ दिन के बाद और जाएंगे वो क्या बोलेंगी चारकोल, वही कोयला मतलब चारकोल, मतलब हर चीज, ठीक है, कुछ दिन के बाद वो बोलेंगे हल्दी है, नमक है, नमक हो गया, हल्दी हो गई, मिर्ची पाउडर है, हाँ तुलसी भी आ गया, वो भी तुलसी आ गया, सब कुछ हर चीज वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा यहां से 20 साल पहले जब आप अगर देखते हो तो सारी चीजें नेचुरली इस्तेमाल किया करते थे, बराबर है, दातुन वाला प्रकार हुआ करता था, जो नीम का जो है उस डंडी से वो करते थे और उनका बहुत जबरदस्त काम होता था, बराबर है, उसका इस्तेमाल कर रहे अभी वही, उसको रिनोवेट करके, ठीक है, सब इमोशन पे खेलने का खेल खेल रहे, क्लियर है, छोड़ो। तो सेंसिटिविटी मतलब क्या, थोड़ा सा भी उसको क्या कर लिया, ठंड बढ़ गई, थोड़ा सा आप उसको क्या करने लगे, काम करने लगे, तो उसको जो है वो ज्यादा दर्द करता है, बराबर है, जोर करता है ज्यादा। जैसे मान के चलो मोहित जो है, मोहित को मैंने कुछ बोल दिया, ठीक है, उसको गुस्सा कर लिया, तो मोहित मोहित तो बेवकूफ जैसा क्यों कर रहा है मोहित तो पागल है क्या बात समझ में आ रही है, उसको फर्क पड़ रहेगा कुछ, मतलब वाई बिकॉज ये कैसा है, सेंसिटिव लेस है, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, बेशरम है, बराबर है। लेकिन मान के चलो मैंने अंजलि को बोल दिया, बेटा क्या अंजलि तो बेवकूफ है क्या, उसका मूड खराब हो जाएगा,
अंजलि तेरे को समझ में आता तू किसके लिए आई है, पढ़ाई करना है तेरे को, पढ़ाई करनी है, पापा वहां पे क्या कर रहे, काम कर रहे, तेरे को इधर पढ़ा रहे, रोने लगेंगे। अब दोनों को मैंने सेम वर्ड बोला लेकिन ये क्या कर रहे हैं और ये रोने लग रही है, मतलब यहां पे कौन ज्यादा सेंसिटिव है? अंजलि, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा भी बोलने से अगर उसको फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा, और उतना ही बोलने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा या फिर कम फर्क पड़ रहा है, मतलब सेंसिटिविटी कम। तो उसी तरह से गैल्वेनोमीटर में भी क्या चीज है बोलो, कि अगर आप छोटा सा करंट फ्लो करने से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। और मैं ऐसा बोलता हूं इसके वाइस वर्सा कि अगर करंट आपने ज्यादा फ्लो किया कंपेयर के हिसाब से और आपका वहां पे डिफ्लेक्शन कम हुआ, इसका मतलब सेंसिटिविटी लेस। तो कौन कौन से फैक्टरों पे डिपेंड करता है कि आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है या कम है, तो सेंसिटिविटी जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, तब तक के लिए बने रहिए और लेते हम लोग छोटा सा ब्रेक, ठीक है? तो सेंसिटिविटी जो है बेटा क्या चीज है, नहीं ना हो गया ब्रेक, ब्रेक कैंसिल, ब्रेक कैंसिल, ठीक है? तो सेंसिटिविटी जो है, सुन लो सुन लो सुन लो, सेंसिटिविटी ये दो तरह के है, पहले समझ लो सेंसिटिविटी क्या मैंने बोला, दैट इज लार्ज चेंज इन डिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे इसको, लार्ज चेंज इन डिफ्लेक्शन, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ स्मॉल चेंज इन करंट, थोड़ा सा करंट में चेंज आने से लार्ज चेंज डिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी कैसी है, ज्यादा है। उसके वाइस वर्सा हम लोग बोलेंगे लो सेंसिटिविटी के लिए, क्लियर है? अब यहां पे दो तरह के सेंसिटिविटी बेटा, एक है बेटा हमारा कौन सा, करंट सेंसिटिविटी, किसकी, करंट सेंसिटिविटी, और दूसरा रहेगा हमारा कौन, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी के लिए हम लोग डिनोशन करेंगे आईएस से और वोल्टेज के लिए वीएस से। अब सर करंट सेंसिटिविटी क्या है, देखो कि मैंने बोला दैट करंट सेंसिटिविटी के लिए हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स कैसा हो, सॉरी फाई कैसा हो, ज्यादा हो, जब आपका करंट कैसा हो, कम हो, तो सेंसिटिविटी कैसे हुई, ज्यादा हुई। दैट आईएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट कम है तो सेंसिटिविटी ज्यादा है, और फाई डिफ्लेक्शन ज्यादा है मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है। समझ में आया? तो मैंने क्या लिखा, फाई बाय आई। सर ये फाई भी देखे जैसा लग रहा है और आई भी देखे जैसा लग रहा है, बेटा थोड़ी देर देखो, इधर देखो, ध्यान देना, मैंने फाई डिवाइडेड बाय आई अगर लिखा तो मेरे सामने एक फार्मूला बनता है एन बी ए बाय के। इसका मतलब ये कि आई एस की वैल्यू किसके बराबर, एन बी ए बाय के बराबर बनी, और इसी का फॉर्मूले को बोलेंगे हम लोग करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। तो फटाफट बोलिए, चलो और एक देख लेंगे इसके बाद, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज कौन सा बोला मैंने, बोलो दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिनोट करेंगे वीएस से, क्लियर? अब वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज वीएस इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, जितना, हां बोलो, जितना आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा, और किसके अक्रॉस में लगा रहे हम लोग, दो पॉइंट के अक्रॉस में क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे दो वायर्स, क्लियर है ना? तो डिवाइडेड बाय V, what is V? Potential difference in between these two points of the circuit. Circuit के बीच में जहां पे भी लगाने वाले, तो जितना कम potential पे ज्यादा क्या होगा, sensitivity show करेगा, मतलब sensitivity क्या होगा ज्यादा, और phi is directly proportional to Vs. लेकिन V की value क्या होती है बेटा, V की value होती है, बोलो Ohm's law क्या बोलता है, V is equals to IR, V is equals to, बेटा phi by I अभी मैंने लिखा था, phi by I बोलो क्या है, तो Vs का formula बना, हाँ एन बी ए बाय के, और बचा हुआ आपका आर, ये रहा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। समझ में आया? अब देखो दो चीजें इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है? इसका मतलब ये कि भले ही आपकी करंट सेंसिटिविटी हो या भले ही आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, ये कौन कौन से फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है। तो पहली चीज है, फैक्टर्स कौन सा बोलो बेटा, एन, व्हाट इज दिस एन, नंबर ऑफ टर्न्स। आप अगर एन बढ़ा लिए तो आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज आपको दिख रही है कौन सी, दैट इज बी, बी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर क्या दिख रहा है बेटा, एरिया, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो एरिया बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और थर्ड चीज क्या है आपका, हां के क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर के घटाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना मतलब क्या करेंगे, कॉइल के टर्न्स बढ़ा लिए, बी मतलब क्या, जो मैग्नेट है बेटा उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे कैसे, एक तो रिप्लेस करो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करो,
कि जिसकी वजह से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करंट भेजेंगे उसमें से तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेंगी। लेकिन हालांकि हम लोग बाहर से कुछ करंट भेजने से बेहतर है हम लोग नेचुरल मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी जो क्वालिटी है अगर अच्छा स्ट्रांग मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। दूसरी चीज है बेटा एरिया, कॉइल का जो एरिया है जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैप्चर करेगी। और थर्ड चीज आती है दैट इज के, फोर्थ चीज आती है के, व्हाट इज द के, टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट मतलब क्या, उसकी रिजिडिटी। तो हेलिकल जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है उस हेलिकल स्प्रिंग की अगर जाड़ी बढ़ाए तो के क्या होगा, बढ़ेगा, जोर मजबूत बनेगा। तो के अगर बढ़ गया तो सेंसिटिविटी घटेगी, इनवर्सली है। और उस हेलिकल स्प्रिंग को और पतला किया, बहुत ही नाजुक बनाया तो क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। समझ में आया? तो इस तरह की चीजें हैं, क्लियर है। अब और एक चीज सर, हमको इसके लिमिटेशन बताइए सेंसिटिविटी के लिए। बेटा लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे देखो ध्यान देना, यहां पे कौन कौन सी चीजें देखो आप, यहां पे के को जो है एक लिमिट के आगे नहीं घटा सकते, के को आप जो है लिमिट के आगे नहीं घटा सकते। वाई? बिकॉज अगर इसको और पतला कर लिया और नाजुक बना लिया तो क्या होगा, आपका जो है वहां पे उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम, और जिसकी वजह से आपका गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा भी मतलब फ्लक्चुएशन अगर करंट में आ जाए, ज्यादा अचानक से करंट बढ़ जाए तो क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया ना? ये जो सारी चीजें हैं इसको अगर खत्म करेंगे तो एमीटर बनेगा और वोल्टमीटर बनेगा, ठीक है। एरिया अगर बढ़ा लिए तो आपका डिवाइस क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, साइज बड़ी बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर स्ट्रांग मैग्नेट और बड़े मैग्नेट इस्तेमाल किए तो बल्कि बनेगा, तो ये बल्कि बनेगा और ये क्या बनेगा, बिग साइज का बनेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, ये अच्छा उपाय है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाए, और यही सबसे ज्यादा जो है कारगर क्या बोल सकते इसको काम हो सकता है। कैसे सर? कि जैसे मान के चलो अगर मैंने एक फैन है मेरे पास और फैन की जो है पावर बढ़ानी है, और फैन को मैंने लेके गया कहां पे, एक शॉप में जो टेक्नीशियन है, तो क्या उसके फैन का जब खोला गया उसको, तो जो साइड में मैग्नेट जो रखा गया है क्या उस मैग्नेट को चेंज कर सकता है? वो नहीं कर सकता। और मैग्नेट को बढ़ा तो फैन भी बढ़ जाएगा बहुत बड़ा। कॉइल जो है कॉइल का एरिया भी नहीं बढ़ा सकता वो, क्योंकि उसका फ्रेम तो फिक्स है, अंदर जो फ्रेम उसके हिसाब से जो डिजाइन किया वो फिक्स है। तो पहले जो टर्न्स किसके, कॉपर के वाइंडिंग्स के टर्न्स मान के चलो 1000 थे, वो 1000 के जगह पे वो कितना कर सकता है, 1500 कर सकता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए और सेंसिटिविटी को बढ़ा लो। समझ में आया? ये दो तो बहुत बड़ी चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को चेंज करना, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को ही आप क्या करना है, चेंज करना है। पहली जो है सबसे बढ़िया चीज, एन को चेंज करो या फिर आप के को चेंज करो। समझ में आया? दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडरेटली चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़े, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये और एक चीज है बेटा, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके डिस्कस करेंगे। जब आपने क्या किया, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को क्या किया, बढ़ाया, तो नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ेगा तो आपका आईएस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन बेटा जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा, किसका, वायर का। जब लायर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। आईएस इज इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू एन, और एन बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला सीखा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, भले ही वो आप कॉपर का इस्तेमाल क्यों ना करो, लेकिन लेंथ अगर बढ़ेगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो वीएस घटने के चांसेस है। बस समझ में आए सर? इसका मतलब एन बदलाने से, एन चेंज करने से सेंसिटिविटी में कोई परिणाम नहीं आएगा क्या सर? क्योंकि एक चीज तो बढ़ रही है और एक चीज घट रही है बेटा। चेंज होगा ही, चेंज आप कर सकते, ये डेफिनेटली याद रखना। हो सकता है आप करंट सेंसिटिविटी में, ऐसा हो सकता है करंट सेंसिटिविटी में आपने 30% का इजाफा कर लिया, मतलब करंट सेंसिटिविटी क्या कर ली, बढ़ा ली, कितने परसेंट से, 30% से। हो सकता है 10 या 20% के हिसाब से आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो, घटे। बस समझ में आई? ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बेटा करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। रीजन समझ में आया सबको? और इसी के ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा जाएगा, वो भले बोर्ड में हो या एंट्रेंस में हो, और वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आई होप ये पूरा सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया है, क्लियर है कंसेप्ट? चलो आगे देखेंगे इसके ऊपर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, अ करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 30 डिग्री। जो आपका जो करंट है, कितना करंट बेटा इनिशियली, दैट इज आई1 क्यू लिखेंगे हम लोग, कितना
200 माइक्रो एम्पियर। जब कॉइल का डिफ्लेक्शन कितना शो होगा, दैट इज फाइ वन की वैल्यू है कितनी दी हुई, दैट इज 30 डिग्री। व्हाट शुड बी द करंट टू कॉज द रोटेशन थ्रू पाई बाय 10 रेडियन, कितना करंट आपका जाएगा, दैट इज आई टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब आपका रोटेशन कितना होना चाहिए, दैट इज फाइ टू की वैल्यू कितनी बोलो, पाई बाय 10 रेडियन। एक की वैल्यू दी है किसमें, डिग्री में, और एक की किसमें दी है, याद रखना है जो एंगल जो दूरी रहेगा यहां पे, दैट इज फाइव वन हो, फाइव टू हो, कोई भी फाइव हो, तो फाइव बेसिकली आपको डिवीजन में दिया रहता है। लेकिन जबकि हालांकि ये जो क्वेश्चन है किसमें दिया है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो एक को दिया है डिग्री में, एक को रेडियन में, तो रेडियन वाली वैल्यू किसमें कन्वर्ट करनी है, अदरवाइज फाइव की वैल्यू किसमें दी हुई रहेंगी, डिवीजन में, डिवीजन करके लिखा होगा, इतना करंट जाने से इतना डिवीजन होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में पूछा गया है, गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी के बारे में। अब यहां पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो कौन सी सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहा हो, करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है, तो करंट सेंसिटिविटी के लिए क्या करोगे, क्या है फॉर्मूला, क्या हमारा बोलो, करंट सेंसिटिविटी क्या दिखाई दे रहा आपको, करंट सेंसिटिविटी दैट इज आई एस की वैल्यू क्या दी गई थी हमारे को, हाँ एन बी बाय के इंटू, सॉरी क्या है हमारा करंट सेंसिटिविटी क्या है, एन बी ए बाय के। क्या आपके पास एन है, बी है, ए है और के है, क्या नहीं है, फिर कैसे करोगे बेटा। और एक फार्मूला था फाइव के, मतलब उसको जनरलाइज कंसेप्ट में क्या बोलते हैं, व्हाट इज एन बी ए बाय के, मतलब क्या है आपका, क्या है ये हमारा फाइव बाय आई, बराबर है। क्या आपके पास फाइव है, क्या आपके पास आई है, आप निकाल सकते हो, बोलो कितना कैसे निकालोगे, निकालो फटाक से। पहले केस वाला यूज करो, बोलो फटाक से कितना कितना निकालोगे। आई वन की वैल्यू दी हुई है, आई टू की दी हुई है, आई एस बोलो, फाइव की वैल्यू पहला वाला कंसिडर में बोलो, हाँ दैट इज हाउ मच, 30 डिग्री। करंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 200 माइक्रो, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, माइनस 6 ऊपर जाएगा क्या बनेगा, प्लस 6, 0 गेट 3/20 कितना होगा, करके देखो 3/20 कितना बनेगा, कितना बनेगा 3/20, 0.15। क्लियर है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस तो दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप क्या लिखोगे, 0.15 10 टू द पावर 6। ठीक है, ये रही आपकी करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है कंसेप्ट, तो अब इसका यूनिट क्या बनेगा सेंसिटिविटी का, हाँ ये क्या है बोलो, किसमें था हमारा फाइव डिग्री, और ये किसमें था हमारा, तो आप डिग्री एम्पियर लिखो, या फिर इसको अगर 10 टू द पावर 6 नहीं लिखना, उसको नीचे रहने दो, तो क्या होगा बोलो, दैट इज डिग्री पर मिली, सॉरी माइक्रो एम्पियर, मतलब एक माइक्रो एम्पियर पे इतना डिग्री का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ये रही आपकी करंट सेंसिटिविटी। सर फिर इसका इस्तेमाल किस लिए करना है, ये जो आपको दिया है ये किसके लिए है, कभी कभी आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो हमको ये फॉर्मूला पता, दैट इज फाइव बाय आई, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट निकाला, फाइव बाय आई डायरेक्ट निकाला। अगर नहीं होता तो आप लोग क्या करते, कंपेरिजन वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करते। कौन सा वाला बोलो, कंपेरिजन के लिए पहला वाला क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट इज बोलो हमारे पास कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, पहला वाला कंसेप्ट है कौन सा, फाइव वन इज इक्व टू एन बी ए बाय के इंटू आई वन, बराबर है। दूसरी चीज क्या लिखेंगे हम लोग, फाइव टू इज इक्व टू एन बी ए बाय के इंटू आई टू, क्लियर है। इसका इस्तेमाल करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद भी आपको यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, फाइव टू बाय आई टू, तो फाइव टू बाय आई टू अगर करोगे तो आंसर यही आना चाहिए, करके देखो लगे तो। तो फाइव टू बाई आई टू किस लिए करना बोलो, यहां पे हमको फाइव टू पता है, आई टू पता है क्या, नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया आई टू निकालो, तो आप आई टू इस तरह से निकाल सकते हैं, और बाद में आप करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। निकाल के देखा, देखो आई टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो, दोनों का क्या किए, डिवाइड किए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, दैट इज फाइव टू बाय फाइव वन इज इक्वल टू आई टू बाय आई वन। आई टू को निकालना है, आई टू इज इक्वल टू आई वन को लेकर जाओ उधर, दैट इज फाइव टू बाय फाइव वन इंटू आई वन। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब बोलो फाइव टू की वैल्यू कितनी थी बेटा, पाई बाय 10 रेडियन, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, बोलो पाई बाय 10 इंटू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में कन्वर्ट, पाई पाई कैंसिल, तो 180 बाय 10 इज हाउ मच 18, तो ये बना आपका 18, और 51 की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज 30 डिग्री, बराबर है। और आई वन की वैल्यू कितनी थी हमारी, दैट इज 200 माइक्रो एम्पियर, तो यहां से क्या होगा,
हाँ ये 0 0 8 दैट इज 6 6 2 जा तो कितना बना, तो हमारा आई टू की वैल्यू कितनी बनी, आई टू इज इक्वल टू 120 माइक्रो एम्पियर। तो अगर मैं सेंसिटिविटी अलग तरह से इसका फॉर्मूला सेकंड के इस्तेमाल करके देखो, दैट इज आई एस की वैल्यू कितनी बनेगी बोलो, फाइव टू बाय आई टू, फाइव टू की वैल्यू कितनी रही हमारी 18 बाय आई टू की वैल्यू कितनी 120 करके देखो, ये भी उतना ही आना चाहिए, कितना दैट इज 0.15 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर करके देखो, आ रहा है, आ रहा है, दैट इज 18 बाय 120 की वैल्यू आएगी 0.15। समझ में आया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है बोर्ड में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे कि आपको पहले निकालने को बोला उसने आई टू निकालो और बाद में करंट सेंसिटिविटी, आप डायरेक्ट निकाल के भी निकाल सकते हो या फिर आप आई टू निकाल के फिर वो भी निकाल सकते हो, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बाय 20%, अब परसेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, देखो ध्यान देना, इंक्रीज बाय 20%, इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस बाय 1.5 टाइम्स, एक दिया है बढ़ रहा है कितने से, परसेंट में दिया है 20 से, और रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहा है वो कितने से, बराबर वही तो सीखा हम लोगों ने कि सेंसिटिविटी बढ़ेगी आपके नंबर ऑफ टर्न्स, हो सकता है उसने टर्न्स बढ़ा लिए तो टर्न्स बढ़ाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन कौन सी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, पहली चीज तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ जब आपका एन बढ़ेगा तो एक चीज बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है आप ही बोलना है कौन घटेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी घटेगी। तो क्वेश्चन शायद वही पूछा है, हाउ विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बी अफेक्टेड, तो अफेक्टेड मतलब पहले तो समझ में आना चाहिए, घटेगा बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है घटेगी, तो ये सारी चीज हमको क्या करनी है, डिस्कस करनी है, क्लियर है। चलो देखेंगे कैसे, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे आईएस के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएस, करंट सेंसिटिविटी होती है बेटा फाई बाय आई, क्लियर है करंट सेंसिटिविटी। उसके बाद उन्होंने बोला है क्या, बोलो वीएस मतलब क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो, हाँ फाई बाय आई इंटू आर, क्या सही लिखा मैंने, फाइव बाय आई इंटू आई, अरे आई इंटू आर मतलब ही क्या है, वी, दैट इज फाइव बाय वी। अब मुझे बताइए फाइव बाय आई मतलब क्या है, आई एस, ये नया रिलेशन आपको ध्यान रखना है, आई एस बाय आर, बेटा ये ओम्स लॉ की तरह लिखना नहीं है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये नहीं है, ये वी मतलब वोल्टेज नहीं है और ये मतलब आई मतलब करंट नहीं है, वी है सेंसिटिविटी, ये क्या है करंट सेंसिटिविटी, समझ में आया, नहीं तो इसका इस्तेमाल कुछ और तरह से कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में आ रही बात। चलो यह सब तुम ओके, अब यहां पे जो कंपैरिजन दिया है, आपकी करंट सेंसिटिविटी कितने परसेंट से बढ़ रही है, दैट आई एस डैश नया वाला कितने से बढ़ रहा है बोला, वो देखो 20% से, तो ये पहली पुरानी रही, प्लस 20% से बढ़ना मतलब कितना हो गया, 20% का इस्तेमाल मतलब कैसे लिखोगे आप लोग, 20/100 विथ रेस्पेक्ट टू आई एस, आई एस तो पहले था ना, प्लस क्या करोगे परसेंट, इतने परसेंट से बढ़ी तो दैट इज 20/100 दैट ऑफ द इनिशियल, समझ में आया, इसमें से कॉमन क्या निकला, आई एस निकला कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 20/100, 100 + 20 = 120/100, 120/100 इज बोलो 1.2। अब डायरेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे, 20% से बढ़ गया मतलब 1.2 दैट ऑफ द आई एस, ऐसे भी लिखे तो भी चलेगा, तो आई एस डैश इज इक्वल टू 1.2 दैट ऑफ द आई एस, आपको समझे इसलिए मैं आपके भाषा में इसको निकाल के दिखा, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्लियर है ओके। और उसके बाद देखो रेजिस्टेंस कितने से बड़ा है, अब मैं लिख रहा हूं आर कितने से बड़ा है 1. तो आर बड़ा है बोला उसने, दैट इज 1.5 ना 1.5 दैट ऑफ दी आर, दैट इज आर डैश, आर डैश इज 1.5 दैट ऑफ दी आर। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, वी एस नया वाला लिखेंगे, व्हाट इज दिस वी एस डैश, VS डैश कैसे लिखेंगे हम लोग, इसके फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना, IS डैश बाय R लिखेंगे बेटा। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नया वाला IS डैश जो है ये वैल्यू कितनी है बोलो, VS डैश इज इक्वल टू IS डैश की वैल्यू कितनी 1.2 दैट ऑफ द IS, और R की वैल्यू क्या लिखेंगे, सॉरी R डैश लिखना पड़ेगा, और R डैश की वैल्यू कितनी बनेगी 1.5 दैट ऑफ द R, क्लियर है। अगर VS डैश के बारे में देखो तो आपको IS डैश बाय सॉरी IS बाय R, व्हाट इज द IS बाय R, VS, ये रहा VS, एक पॉइंट सरकाई 12 बन गया, एक पॉइंट सरकाई 15 बन गया, 12/15 की वैल्यू फटाक से निकाल के दिखाइए, 4/4/5 आया, कितना आया, अब 4/5 की वैल्यू कितनी
तो VS डैश इज 0.8 दैट ऑफ दी VS। अब आप ही ध्यान देना कितने परसेंट से घटा है या बढ़ा है, घट गया है कितने से, 0.8 से 80%। बेटा देखो VS डैश इज न्यू सेंसिटिविटी इज इनिशियल से 0.8 टाइम्स है, टाइम्स इसका मतलब ये कि घटा है 0.82 टाइम्स है, 0.2 टाइम्स, और 0.2 मतलब कितना हो गया 20%, कितना परसेंट। तो आप बोलोगे VS इज डिक्रीजेस बाय हाउ मच, 20%, ये रहा आपका आंसर। समझ में आई बात, कंसेप्ट खत्म हो गया, समझ में आया, ओके चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, चलो बेटा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। आईएस की वैल्यू कितनी दी बोलो, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मिली मिली कहां से मिली, यहां पे मिली वहां पे मिली, बहुत बढ़िया, जहां पे भी मिली ऐसी मिली कि जी कर रहा है हर बार मिली, कुछ भी हो गया क्या, नहीं जमा, नहीं नहीं जमा। चलो 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 इधर ध्यान दो, टाइम नहीं अपने पास, बोलो वोल्टेज सेंसिटिविटी दी है, दैट इज एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इज हाउ मच, 20 डिवीजन पर वोल्ट। VS की वैल्यू दी है बेटा 20 डिवीजन पर वोल्ट, क्लियर है। पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, हम लोग तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल किए करते थे जी को, और हम लोग लिखते थे मैंने बोला था आपको बेटा हर गैल्वेनोमीटर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एंड दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग जी लिखा करते थे, और वो जी जो है बेटा ये है, ये जी है, VS इज इक्वल टू 5 बाय I into R, so what is this R? Resistance of, बेटा एक ही तो चीज है गैल्वेनोमीटर में, कौन, कॉइल, वहां पे तो क्या है रेजिस्टेंस है खुद का, उसका अस्तित्व जो है वो कहा खुद का, जो अपोज करना चाहता हो कहां पे है, कॉइल के अंदर। तो आपको जो दिया है R इज वॉट, और नीट में पूछा गया क्वेश्चन आपको, देखो अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखा आपने तो मैंने आपको एक चीज बोली कौन सी, VS इज इक्वल टू IS बाय R, R को आप RG भी लिख सकते हो, am I right? आप कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, VS इज इक्वल टू IS बाय RG, तो RG की वैल्यू बनी IS बाय VS, IS की वैल्यू देखो 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है क्या, ठीक है बाद में लिखेंगे, ठीक है तो मिली हो गया नीचे, तो ऊपर लिखोगे तो क्या हो गया 10 to the power, हां 3 डिवाइडेड बाय कितना है 20 डिवीजन पर वोल्ट, दैट इज 20, बराबर है, दे दो जीरो, कितना बन गया 3 जीरो, तो छोड़ दो उसको, सॉल्व करो, 1 बाय कितना हो गया, 1 बाय 10 to the power, 1 बाय 4 का मीनिंग क्या होगा, 1 बाय 4 का मीनिंग कितना होगा, अरे बेटा अगर इस, हाँ बोलो 0., बढ़िया 0.25 into 10 to the power 3, बराबर है, तो आंसर आपका रहा कितना 0.25 into 10 to the 0 जाएंगे तो कितना बना आपका, दैट इज 250, तो ऑप्शन आपका रहेगा सी, और 2018 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन है या नहीं है इजी, तो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आंसर भी क्या हो जाएगा, इजी बनेगा।